हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ हैचेट का एक्सप्लेनेशन। तो अगर आप लोगों को स्लैशर और रॉन्ग टर्न जैसी मूवीज़ पसंद है तो आपको ये मूवी भी ज़रूर पसंद आएगी। लेकिन ये मूवी रॉन्ग टर्न से थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट को भी ऐड किया हुआ है। हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर होने वाला है विक्टर क्राउली, और इस बंदे का काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक पास्ट रह चुका है जो कि हमें पता चलेगा इसी मूवी के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी टाइप का क्वालिटी कंटेंट लाता रहूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक बाप और बेटा दिखाए जाते हैं जो कि एक लेक के किनारे फिशिंग करने आए हुए थे। अब बेटे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से सूसू आती है तो वो हल्का होने चला जाता है, और जब वो हल्का होकर अपनी बोट पर फिर से जाता है तब वो देखता है कि उसके डैड को किसी ने पहले ही हल्का कर दिया है। उसके डैड को किसी ने बीच में से चीर दिया था और ये काम विक्टर क्राउली का था, और तभी कोई उस पर भी हमला कर देता है और उसे खींचता हुआ जंगल की तरफ लेकर चला जाता है, और अब उसका भी काम तमाम हो चुका था। इस सब के बाद हमें न्यू ऑर्लियंस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन अपने दोस्तों के साथ घूमने आया था। उसके यहाँ पर आने की वजह ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ दिखाई दे रही थी जिस वजह से उसे अपनी गर्लफ्रेंड की और भी ज़्यादा याद आने लग गई थी। अब बेन ने यहाँ पर किसी से हॉन्टेड स्वॉम्प टूर के बारे में सुना था और वो भी इस सब को ट्राई करना चाहता था अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाने के लिए। अब बेन अपने दोस्त मार्कस के साथ निकल जाता है ताकि उसे पता चल सके कि ये टूर ऑपरेट कौन करता है। अब मार्कर की यहाँ पर वो स्वॉम्प टूर करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो आ जाता है। ये दोनों लोग अब एक ऑपरेटर तक पहुँच चुके थे जो कि बताते कि अब वो ये स्वॉम्प टूर नहीं करवाता, और ये बात सुनकर बेन काफ़ी ज़्यादा निराश हो जाता है। लेकिन फिर वो ऑपरेटर बताता है कि वो किसी को जानता है जो कि तुम्हें स्वॉम्प टूर करवा सकता है, और वो उसे उसका एड्रेस भी दे देता है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं उसी दूसरे ऑपरेटर के पास जिसका नाम था शॉन। अब शॉन उन्हें वहाँ पर ले जाने को मान जाता है। यहाँ पर इन दोनों को दो एडल्ट मूवी स्टार्स भी मिलती है जो कि अपने डायरेक्टर के साथ ही उसी स्वॉम्प पर जा रही थी। ये लोग अपनी बस में बैठ जाते हैं जो कि उस स्वॉम्प पर ले जाया करती थी, और यहाँ पर इन लोगों की मुलाकात काफी ज्यादा लोगों से होती है। शॉन अब उस बस को ड्राइव करते हुए स्वॉम्प तक लेकर आ चुका था, और अब ये सभी लोग रेडी थे उस स्वॉम्प में जाने के लिए जिस वजह से ये अपनी बोट के अंदर बैठ जाते हैं। उस बोट को भी शॉन ही चला रहा था, आखिर इनका टूर ऑपरेटर जो निकला। लेकिन तभी एक बूढ़ा सा आदमी ने जोर जोर से चिल्ला कर कहने लग जाते कि उस स्वॉम्प में मत जाओ, तुम मारे जाओगे। लेकिन ये सभी लोग आखिर उसकी बात क्यों मानने वाले थे, ये तो आगे बढ़ जाते हैं उसे पागल समझकर। अब शॉन इन सभी लोगों का टूर करवा रहा था, और आखिर ये एक हॉन्टेड टूर है इसलिए वो इन लोगों को डरा भी रहा था। और पानी में चलते चलते इन्हें पानी के किनारे दिख जाता है एक घर, और अब शॉन बताता है कि ये यहाँ के अर्बन लेजेंड विक्टर क्राउली का घर है। वो बताता है कि विक्टर क्राउली एक काफी ज्यादा बदसूरत इंसान था जिसे उसी के डैड ने मार दिया अपनी हैचेट की मदद से, और वो आज भी इस जंगल में घूम रहा है अपने डैड की तलाश में। तभी पीछे से एक लड़की जिसका नाम मैरी बैथ है वो बताती है कि वो घर और कहानी बिल्कुल नकली है। अब ये लोग एक पेड़ से टकरा जाते हैं और इस वजह से इनकी बोट भी वहीं पर अटक जाती है, और इन लोगों की मुसीबत बढ़ाने के लिए वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है जिस वजह से ये वहीं पर अटके हुए रह जाते हैं। ये सभी लोग अपनी बोट को वहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी जिम उस बोट से निकलता है और पानी में उतर जाता है जिस वजह से उसका पैर एक एलिगेटर पकड़ लेता है। अब सभी लोग जिम को खींच रहे थे लेकिन एलिगेटर उसका पैर छोड़ने को तैयार नहीं था, लेकिन तभी मैरी बैथ अपनी गन निकालती है और उस एलिगेटर को शूट कर देती है, और वो एलिगेटर वहीं पर मर जाता है। और फिर ये लोग एक एक कर उस बोट से निकलने लगते हैं। बोट से बाहर निकलने के बाद यहाँ पर शॉन की पोल खुल जाती है। वो बताता है कि वो कोई भी टूर ऑपरेटर नहीं है, बल्कि वो तो इन सभी लोगों को अपने भाई के कहने पर पैसों के लिए लेकर आया है। इसका पहला टूर तो बिना किसी परेशानी के हो गया था जिस वजह से इसे और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया, लेकिन अभी अपने दूसरे टूर में फंस चुका है और इसे बचाने वाला अब कोई भी नहीं है। अब सभी लोग यहाँ पर शॉन को दोष देने लग जाते हैं, लेकिन शॉन यहाँ पर बात पलटते हुए मैरी बैथ से पूछ लेता है कि आखिर वो यहाँ पर गन क्यों लेकर आई है। मैरी बैथ बताती है कि वो यहाँ पर अपने डैड और अपने भाई को ढूंढने आई है जो कि 2 दिन पहले इसी जंगल में गायब हो गए थे, और ये दोनों वही लोग हैं जिन्हें हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। ये लोग तो पहले विक्टर के शिकार बन चुके हैं। अब मैरी बैथ बताती है कि इन सभी लोगों को उस जंगल से जल्द निकल जाना चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। वो बताती है कि ये विक्टर ग्रावली का जंगल है और यहाँ पर अगर घूमे तो वो उन्हें मार देगा। फिर वो इन सभी लोगों को विक्टर की कहानी सुनाने लगती है।
वो बताती है कि विक्टर बचपन से ही डिसफिगर्ड पैदा हुआ था। विक्टर का कोई भी दोस्त नहीं था उसके डैड के अलावा, और बाकी के लोग उसे परेशान किया करते थे, और विक्टर को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिस वजह से वो चुप चुप रहा करता था और रोया करता था। जिस वजह से लोग उसे परेशान न करे, उसके डैड ने एक जंगल के अंदर एक कैबिन खरीद लिया। लेकिन हेलोविन की शाम पर वो बदमाश बच्चे भी वहाँ पर पहुँच जाते उसे परेशान करने। विक्टर के डैड यहाँ पर घर पर नहीं थे, इसीलिए विक्टर घर पर अकेला था, और वो उसे परेशान करने के लिए घर के अंदर आग लगा देते हैं। इन सभी लोगों को लगने लगता है कि विक्टर चिल्लाते हुए बाहर आ जाएगा इनके सामने, लेकिन विक्टर तो गेट लॉक होने की वजह से अंदर ही फंस चुका था। और इसी सब के बीच उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं। उसके डैड को वहाँ आता देख बाकी के सारे बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं, और विक्टर के डैड अपना गेट खोलने की पूरी कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वो गेट उनसे भी नहीं खुलता, जिस वजह से वो अपनी हैचेट दरवाजे पर दे मारते हैं। लेकिन विक्टर गेट के जस्ट पीछे ही खड़ा था, और वो हैचेट उसे जा लगती है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके डैड अपने बेटे को मारा देख काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और 10 साल तक जीकर उनकी भी मौत हो जाती है। और आज भी विक्टर अपने डैड को उस जंगल में ढूंढ रहा था, जो कि उसे आज तक नहीं मिले, लेकिन अगर उसे कोई और मिल जाते वो उसका काम तमाम कर देता है। मैरी सबको ये बताती कि उन्हें यहाँ से जल्द निकल जाना चाहिए, लेकिन बाकी सभी लोग कहते कि वो विक्टर ग्रावली का घर काफी ज्यादा पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन फिर मैरी बताती कि विक्टर ग्रावली का घर उनके जस्ट सामने है, और अगर इन सभी लोगों को रोड तक पहुंचना है तो उन्हें उसका घर पार करना होगा। अब उस जगह पर कोई भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन तभी वहां पर एक भयानक सी आवाज आती है, जो कि सुनकर सभी लोग डर जाते हैं, जिनको एलिगेटर ने काट लिया था, और अब इन्फेक्शन फैलने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। अब जिन की वाइफ शैनन उसे उठाकर उस तरफ ले जाने लगती है, इस उम्मीद में कि वो रोड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तभी इन लोगों के सामने आ जाता है विक्टर क्राउली, वो जिनके सर में अपनी हैचेट दे मारता है, जिस वजह से जिनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब शैनन उसे ऐसा करते देख वहां से भागने लगती है, लेकिन विक्टर उसे भी पकड़ लेता है और उसका मुंह बीच में से फाड़ देता है, और ये चीज काफी ज्यादा बेरहम तरीके से हुई थी, इसीलिए बाकी के सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। और तभी मैरी अपनी गन निकालती है और विक्टर पर शूट करने लग जाती है, जिस वजह से विक्टर जमीन पर गिर जाता है, और मैरी ऐसा करने के बाद वहां से भाग जाती है, और ये सभी लोग आगे जाकर फिर से मिल जाते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि इनका एक आदमी मिसिंग है, और वो आदमी था डग। डग भागते भागते सीधा विक्टर ग्रावली से टकरा जाता है, और विक्टर उसकी गर्दन मरोड़कर उसको जान से मार देता है। ये सभी लोग अभी भी भाग ही रहे थे, और इन्हें डायरेक्शन का कुछ भी अंदाजा नहीं था, और ये लोग भागते भागते फिर से उसी जगह पर पहुंच जाते जहां पर इन्होंने शुरुआत की थी। इन लोगों को तभी वहां पर विक्टर ग्रावली का घर दिखाई देता है, और वो उसके अंदर चले जाते हैं। विक्टर के घर में घुसने के बाद मैरी को अपने डैड और अपने भाई की लाश नजर आती है। मैरी यहाँ पर उन दोनों को मरा हुआ पाती है, जिस वजह से वो यहाँ पर सदमे में चली जाती है, और बाकी के लोग उसे संभालने लगते हैं। और तभी बाकी के लोगों को झाड़ियों में से कुछ आवाज आने लगती है, और ये सभी लोग उसे चेक करने जाते हैं। चेक करने पर इन्हें वहाँ पर सिर्फ एक रकून मिलता है, जिसे देखकर ये बेफिक्र हो जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है, और वो जेना को पकड़ के उसका मुंह तोड़ने लगता है, और बाकी के लोग वहाँ पर खड़े हुए बस उसे देखते रह जाते हैं। मैरी बैथ का यहाँ पर खून खौलने लगता है, और वो विक्टर पर बिना कुछ सोचे समझे अटैक कर देती है, जिस वजह से विक्टर जमीन पर गिर जाता है। बैन मैरी को उठाकर साइड में कर देता है, और शॉन अपना हथियार उठाकर विक्टर पर हमला कर देता है, लेकिन विक्टर उसकी गर्दन मरोड़ देता है, और यहाँ पर शॉन का खेल भी खत्म हो चुका था। जोना अभी तक जिंदा थी, लेकिन विक्टर उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी मार देता है। दूसरी तरफ बाकी के लोग समझ चुके थे कि वो इस जंगल से ऐसे ही नहीं निकल सकते हैं, इसीलिए ये सभी विक्टर को मारने का एक प्लान बनाने लग जाते हैं। अब बेन बताते कि उसने विक्टर के घर में फ्यूल कैन देखे हैं, जिसकी मदद से वो उसे आग लगाकर मार सकते हैं। वो सब लोग अब फिर से उसके घर जाते हैं, और मार्कस और मैरी बेथ उसका ध्यान बटाते हैं। मिस्टी अंदर नहीं जाती और वो घर के बाहर ही पहरा दे रही थी, और बेन अंदर जाता है और उसे वहां पर वो फ्यूल कैन मिल जाता है। वो फ्यूल कैन उठाकर वहां पर मिस्टी को आवाज लगाता है, लेकिन मिस्टी की कोई आवाज नहीं आती। तभी उसके ऊपर मिस्टी के दो टुकड़े आकर गिर जाते हैं। मिस्टी यहाँ पर मर चुकी थी, और उसे मारने वाला भी बेन के सामने ही खड़ा था। विक्टर अंदर आकर बेन पर हमला ही करने वाला था, लेकिन तभी मैरी बैथ आती है और उसे पीछे से पकड़ लेती है, और बेन उस पर फ्यूल छिड़क कर उस पर आग लगा देता है। और यहाँ पर विक्टर जल रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, यानी नेचर भी आज विक्टर की ही साथ है। और विक्टर के ऊपर लगी हुई पूरी आग बुझ जाती है, और वो फिर से खड़ा हो जाता है। ये लोग ऐसा होता देख फिर से भागने लगते हैं, और ये भागते भागते पहुंच जाते एक पुराने से पड़े हुए कब्रिस्तान में, लेकिन विक्टर भी वहां पर पहुंच जाता है, और ये लोग उसे देखकर फिर से भागने लगते हैं। इस बार मार्कस की किस्मत उसके साथ नहीं थी, जिस वजह से वो वहीं पर पकड़ा जाता है। विक्टर उसे दबाकर उसकी सारी हड्डियां तोड़ देता है,
और बेन यहाँ पर अपने बेस्ट फ्रेंड को मरता हुआ देखता है और उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। अब विक्टर उस कब्रिस्तान के गेट में से एक सरिया निकालकर सीधा बेन की तरफ फेंकता है, जो कि जाकर लगता है सीधा बेन के पैर के अंदर। बेन दर्द के कारण काफी जोरों से चिल्ला रहा था और मैरी बेथ उसे शांत करने की कोशिश करती है, और तभी विक्टर इन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है इनको मारने के लिए। लेकिन तभी बेन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने पैर में फंसे हुए सरिये को सामने की तरफ घुमाने लगता है, जिस वजह से जैसे ही विक्टर उस पर हमला करता है वो सरिया विक्टर के गले में घुस जाता है। अब विक्टर जमीन पर नीचे गिर जाता है और इन लोगों को लगने लगता है कि विक्टर की मौत हो गई। अब ये दोनों वहां पर पड़ी हुई एक बोट के अंदर बैठ जाते हैं, जो कि मैरी बेथ के डैड की थी, और एक काफी ज्यादा खुश होकर वहां से जाने लगते हैं। और हमें लगने लगता है कि मूवी यहीं पर खत्म हो गई, लेकिन तभी वहां पर बोट के नीचे से कुछ हलचल होने लगती है और मैरी बेथ को कोई पानी के अंदर खींच लेता है, और तभी बेन अपना हाथ पानी के अंदर दे देता है ताकि वो मैरी बेथ को बाहर खींच सके। मैरी बेथ उसका हाथ पकड़कर ऊपर आ जाती है और तब उसे पता चलता है कि ये बेन का उखड़ा हुआ हाथ है, जो कि पकड़ रखा है विक्टर ने, यानी उसने विक्टर को मार दिया और मरने की बारी अब उसकी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब मैरी बेथ का क्या हुआ वो पता चलेगा हमें इसके सेकेंड पार्ट में। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।